भाई को दिल से सपोर्ट कीजिएगा, भाई आपके पास नहीं से नहीं और अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आता रहता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आशा तो करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे अपने जीवन में, आप सभी खुश होंगे, तो आपका भाई भी ठीक है। तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और चैनल पर जो नए आए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर लिया ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाएगी और दोस्तों तक में आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सो दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं हमारे गांव में बहुत ही ज़्यादा कोहरा गिरा हुआ है आज और आप सभी तो अंदाज़ा लगा ही सकते हो बहुत ही ज़्यादा ठंडी है आज। आप सभी देख सकते हो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये इधर देखिए बहुत ही ज़्यादा कोहरा गिरा हुआ है और कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं अब जा रहा हूँ रोड पर। सो दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं मैं रोड पर हूँ, बहुत ही ज़्यादा कोहरा है, कुछ कहीं नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों, बस मैं हूँ और कोई कहीं नहीं है। और कोहरा देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा कोहरा, सब तरफ कोहरा ही कोहरा। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे गांव में बहुत ही ज़्यादा कोहरा गिरा हुआ है, हाँ तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी है दोस्तों, इस ठंडी में मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है, प्लीज़ कर ही दीजिएगा। और आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी भी खड़ी हुई है, ट्रक, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ट्रक खड़ी हुई है और सब तरफ कोहरा ही कोहरा। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा ठंड गिरी हुई है दोस्तों आज। दोस्तों, इस ठंड में कोई घर से बाहर नहीं निकलता है और आपका भाई कोहरा में वीडियो बना के आप सभी को दिखा रहा है, तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और दुलार और आशीर्वाद की आप सभी के ज़रूरत है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा कोहरा है, मैं मैन चौक पर पहुँच गया हूँ, आप सभी देख सकते हैं, और हाथ तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया। सो दोस्तों, देख सकते हैं कोहरा कुछ कहीं नहीं दिखाई दे रहा, देखिए दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इतना ज़्यादा कोहरा गिरा हुआ। सो दोस्तों, मैं अपने गांव का हर एक चीज़ दिखाता हूँ, तो आप सभी ब्लॉग में बने रहिए। दोस्तों, इतनी ठंडी रहती है कि घर से बाहर निकल नहीं सकते हैं, कि कोई काम रहता है तो यहाँ से मतलब कि सकरी बाज़ार से जाना हुआ वहाँ जा भी नहीं सकते इतनी ठंडी के कारण, क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा मारती है गाड़ी पर, कुछ कह को नहीं, आप सभी तो जा नहीं सकते। और आप सभी देख सकते हो मुँह से धुआँ निकल रहा है, दिखाई दे रहा है या नहीं हमें तो नहीं पता, मगर आप सभी कोहरा देख के तो अंदाज़ा लगा ही सकते हो। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि सुबह के 6 बज रहे हैं और कोहरा बहुत ही ज़्यादा एकदम है आज दिल्ली में ही। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा कोहरा गिरा है और यहाँ तो दोस्तों आज बहुत ही ज़्यादा कोहरा गिरा हुआ है। दोस्तों, इतने ज़्यादा कोहरा में बहुत ही ज़्यादा हवा भी चल रही है, ठंडी ठंडी, ओह भाई। तो दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि मैं ग्लव्स भी पहन लिया हूं, तभी ठंडी लगी रही है दोस्तों, ग्लव्स पहनने पर भी आप सभी तो जान ही सकते हो बहुत ही ज़्यादा कोहरा गिरा और ठंडी बहुत ही ज़्यादा है आज तो दोस्तों, मौसम तो ऐसे ही रहेगा दोस्तों, आज का मौसम तो चेंज नहीं होगा, जैसे धूप तो नहीं उगेगी और ठंडी का मौसम है तो दोस्तों घर से बाहर निकलने का तो मन एक जरा भी नहीं करता है, आप सभी तो जान ही सकते हो, और जहाँ पर हवा चले वहाँ पर तो और नहीं करता है। अभी तो दोस्तों मैं बहुत ही ज़्यादा हमें नींद पड़ रही थी ठंडी के वजह से, और मैं नींद तोड़ के आप सभी को सोचा कुछ दिखाता हूँ मैं अपने गांव का, जो ठंडी बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई है। ये देख सकते हैं कुछ नहीं दिखाई दे रहा कहीं, ये देखिए कोहरा बहुत ही ज़्यादा है, ये देखिए कुछ कहीं नहीं दिखाई दे रहा, मौसम बहुत ही ख़राब है आज का, गाड़ी वाड़ी जो आती है उसे लाइट वाइट जला के आना पड़ता है तभी दिखलाया देगा दोस्तों। सो दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं ठंडी में कहीं कोई नहीं है, बस मैं हूँ रोड पर घूम रहा हूँ, आप सभी देख सकते हैं ठंडी में मैं हूँ और कहीं कोई नहीं है, और सर्दी बहुत ही ज़्यादा लग रही है। दोस्तों, जो गरीब है, जो बेरोजगार है, जो बाहर सोते होंगे उनका क्या हाल होता है दोस्तों इतनी ज़्यादा ठंडी में। ये देखिए इधर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इधर बहुत ही ज़्यादा हरियाली है, इधर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये देखिए सब तरफ कोहरा लगा हुआ है और रोड से आगे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये देखिए इतना ज़्यादा ठंड है आज, बहुत ही ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। दोस्तों, इस कोहरा में कोई गाड़ी एक भी नहीं चल रही है, आप सभी देख ही सकते हो गाड़ी भी नहीं चल रही है एक, और इस कोहरा में मैं आप सभी को बता दूं कि एक आदमी भी नहीं है दोस्तों, देखिए कहीं भी एक आदमी नहीं दिखाई दे रहा,
और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस कोहरा में दोस्तों कोई अपने जान को हाथ में लगा के बाहर नहीं निकले, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंडी है और इस ठंडी में तो कोई निकलना नहीं चाहेगा। चलते हैं फिर गाछी में दोस्तों, इधर गाछी है, गाछी का कुछ व्यू दिखा देता हूँ आप सभी को। तो देखिए ठंडी में हमारे मुंह से भी धुआं निकल रहा है, इतनी ठंडी है बहुत ही ज़्यादा, और हमें तो सर्दी हो ही जाएगी इतना तो कॉन्फर्म है दोस्तों, क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा है। तो आप सभी को बैक कैमरे से गाछी दिखाता, तो ये आप सभी देख सकते हैं गाछी कुछ ऐसी दिखाई दे रही है और कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सब तरफ दोस्तों कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा है। ये देखिए दोस्तों जिसे बोलते हैं ओस, ऊपर से ओस गिर रही दोस्तों। ये जो बांस का पेड़ देख रहे हैं, आप सभी के गांव में क्या बोलते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, इसे तो बांस ही मैं बोलता हूँ। और ऊपर से दोस्तों पानी गिर रहा है, जो ओस जिसे बोलते हैं उसका पानी गिर रहा है दोस्तों। ये आप सभी गाछी देख सकते हैं कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, ये देखिए। दोस्तों इस ठंडी में जानवर सभी क्या हाल होता होगा, जहाँ पे दोस्तों राख वाख रहती है परी वहाँ पे जाके वह सो जाते हैं, और जहाँ पर नहीं मिलती दोस्तों ठंडी भर रात भर वह दोस्तों उसका जान जा नहीं सकते और ठंडा होकर वह मर जाता है। तो दोस्तों मैं अब जा रहा हूँ घर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही है और दोस्तों मन खराब हो गया दोस्तों, और सर्दी हो रही है बहुत ही ज़्यादा, ठंडी बहुत ही ज़्यादा है, हाथ बहुत ही ज़्यादा एकदम ठंडा हो गया, और गाड़ी भी देख सकते हैं जिसे ज़रूरत है वो दोस्तों जा रहा है ठंडी में, अपना तो काम दोस्तों छोड़ेगा नहीं ना दोस्तों, क्योंकि वैसे तो पेट चलता है ना सभी का, तो ठंडी में भी सब काम करने जा रहे हैं। और दोस्तों मैं गाछी में आ गया, अब जा रहा हूँ मैं घर, क्योंकि हमें लग गई ठंडी बहुत ही ज़्यादा। तो ये देख सकते हैं आ गया है मैं गाछी में दोस्तों, मैं घर जाऊंगा आग वाग जला के फिर तापूंगा, हाथ बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया दोस्तों, आप सभी को मैं बता नहीं सकता इतनी ज़्यादा हमें ठंडी लग रही है, और सर्दी भी हो रही है बहुत ही ज़्यादा, आप सभी देख ही सकते हैं बहुत ही ज़्यादा हमारा भी मन ख़राब हो गया। तो ऐसा तो होता ही रहता है, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा, तो एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है, प्लीज़ कर ही दीजिएगा। तो फिर मैं मिलता हूँ घर पे। दोस्तों मैं अपनी वाली गाछी में आ गया हूँ, और यहीं पे दोस्तों मैं आग लगाता हूँ, फिर मैं तापता हूँ आप सभी को दिखा। दोस्तों मैं आग लगाने वाला हूँ ये पत्ते में, इस सभी को गुलिया लेता हूँ, फिर हाथ सेकना है, फिर जाके मैं कंबल में सो जाता हूँ। तो ये सब पत्ता जो पड़ा है सभी को गुलिया लेता हूँ, अभी तो ओस पड़ रही है ना, इसकी वजह से पत्ता भींग गया है, धरेगा या नहीं धरेगा, मैं है ना पन्नी उन्नी डाल के जला दूँगा, फिर दोस्तों गुलियाता हूँ ये सारा पत्ता। तो दोस्तों मैं पत्ता के पास आ गया हूँ और गुलियाता हूँ इसे। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं मैं पत्ता गुलिया रहा हूँ, ये सभी जलाऊँगा, इसमें आग भराऊँगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा हाथ ठंडा हो गया, आप सभी को तो बता ही दिए। दोस्तों आप सभी देख सकते हैं ढेर सारा पत्ता गुलिया लिए हैं, अब इसमें लगाते हैं आग। हाँ तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ऐंठ गया हमारा, दोस्तों आग धर लिया और हाथ गर्म कर रहे हैं, जिसे बोलते हैं आग ताप रहे हैं दोस्तों, ये तो आप सभी देख सकते हैं कि मैं आग ताप रहा हूँ, और हाथ गर्मा लेता हूँ थोड़ा, क्योंकि ठंडा बहुत ही ज़्यादा हो गया है। बहुत ही ज़्यादा हाथ ठंडा हो गया, क्या बोले आप सभी को। तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता है, प्लीज़ कर ही दीजिएगा, भाई को दिल से सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि भाई आपके पास नई से नई और अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आता रहता है। जो दोस्तों ठंडी में बेरोजगार है, जो दिल्ली में रहते हैं और सब जगह रहते हैं दोस्तों, गरीब मिल ही जाते हैं वो दोस्तों। मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि हमारे इधर गाछी वृक्ष है ना, तो दोस्तों पत्ते उत्ता
कुछ कमी ना रहती दोस्तों, आग वाग से ताप ही लेता हूँ ऐसे। देख सकते हैं मैं अपने गाछी में आ गया हूँ और पत्ता धरा के आग ताप रहा हूँ, आप सभी तो देख ही सकते हैं दोस्तों। तो हमारे इधर तो दोस्तों बागबान है, तो इस वजह से दोस्तों हमें तो ठंडी का कोई असर नहीं करती है, क्योंकि दोस्तों फटाफट आया और आग ताप लिया, फिर कम्बल में सो गया, फिर गर्माने रहते हैं दोस्तों अच्छे से, क्योंकि दोस्तों ठंडी बहुत ही ज़्यादा खराब चीज़ है। ठंडी जिसे लग जाएगी ना दोस्तों की सोच लो कि क्या होगा, आप सभी तो जान ही सकते हो, चला भी नहीं होता ऐसी ठंडी, मतलब ठंडी मार देती है। तो ठंडी से आप सभी बच के रहिए दोस्तों, क्योंकि आप सभी हमारी फैमिली हो, तो हमें तो समझाना जरूरी है दोस्तों आप सभी को। दोस्तों आग तो नहीं धरा क्योंकि दोस्तों इस पर है ना पानी का जो ओस जिसे बोलते हैं वो पड़ रहा बहुत ही ज़्यादा, इस वजह से दोस्तों पत्ता जो है ना नहीं धरा, जो सूखा सूखा था वो धर लिया और जो भींगा भींगा है वो नहीं धरा, ज़्यादा भींगा दोस्तों जो था वो नहीं धरा दोस्तों। तो मैं आप सभी को बता दूं कि उस टाइम है ना एक कौवा पक्षी, मतलब कि एक कहीं कुछ नहीं था दोस्तों। अभी देख सकते कि गाड़ी का भी साउंड आ रहा होगा आपके पास, और चिड़िया चिरमुंडी तो आप सभी जान ही सकते हो, बहुत ही अच्छा एकदम सुबह का एकदम जो आवाज़ निकालती है बहुत ही अच्छा एकदम लगता है सुनने में। ये जो हमारी आगे धरने का नाम नहीं ले रही तो हम इसे कर ही क्या सकते हैं ये बताइए। अब देखते हैं यहाँ पे छज्जा है तो छज्जा लाता हूँ, ये देख सकते हैं, ये जो आप सभी देख सकते हैं ये छज्जा है। आप सभी के गांव में क्या बोलते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फिर मैं ये लेके आता हूँ। बस दोस्तों ज़्यादा नहीं, इतना बहुत ज़्यादा हो गया, हाथ ही खाली तापना है ना, तो इतना तो बहुत है, ताप के फिर चले जाते हैं घर। इस पर रख दिया, हमारे जेब में माचिस थी तो मिल गई है, तो अब मैं आग धराता हूँ। हवा के कारण आग भी नहीं धर रही है दोस्तों, आग हमारा कहना सुन ही नहीं रही है, आग भी बोल रहे हैं कि नहीं धरना है आज किसी भी हालत में, तो हम क्या ही कर सकते हैं, आग भी नहीं एकदम हमारा सपोर्ट कर रही है। अरे कर गई सपोर्ट तो कर गई, ये देखिए धर रहा है, सपोर्ट तो कर रही है हमारा। चलो आग का शुक्रिया जो हमारी जान बचा रही है आग ठंडी में। दोस्तों आग अगर नहीं रहे तो दोस्तों आदमी सोच लो कि ऐसे ही मर जाएगा ठंडी से। आग बहुत ही बड़ा चीज़ भी है, बहुत ही खतरनाक चीज़ भी है आग, इतना मैं बोल देता हूँ आपसे। आग अच्छी चीज़ भी है, खतरनाक चीज़ भी है। आग नहीं रहा था आप सभी खाना भी नहीं पका पाओ। ये आप सभी देख सकते हैं आग धर लिया और मैं हाथ सेक रहा हूँ, तो फिर मैं सेक के चलता हूँ घर। भाई समझ के दोस्तों भाई को दिल से सपोर्ट कीजिएगा, और दोस्तों मैं बड़ा क्रिएटर तो नहीं हूँ जैसे सौरभ जोशी है और मिस्टर इंडियन हैकर है, वैसा तो मैं नहीं हूँ, आपका एक छोटा नन्ना मुन्ना सा भाई हूँ। तो भाई समझ के भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और दोस्तों दिल से आप सभी का ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रखिएगा। तो दोस्तों मैं तो आग सेक लिया हूँ, आप सभी देख सकते हैं आग भी धर लिया, तो फिर मैं चलता हूँ घर। सो दोस्तों मैं जा रहा हूँ घर, तो आज के ब्लॉग में तो इतना ही, फिर मिलेंगे नहीं और धमाकेदार ब्लॉग के साथ। बाय बाय।